नमस्ते बच्चों, CNEs KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो चलिए बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में जानकारी। पिछले कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली थी बच्चों। संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलाव आता है, यानी कि विकारी शब्द हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल आता है। तो इनका पहला विकार जो है वो है लिंग, यानी कि परिवर्तन। लिंग के अनुसार परिवर्तन, वचन के अनुसार परिवर्तन, कारक के अनुसार परिवर्तन। उसमें पहला परिवर्तन हम देखने वाले हैं लिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द के रूप से हमें यह पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिंग। समझ में आया बच्चों? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के दो प्रकार हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। बच्चों हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, अन्य भाषाओं में नपुंसक लिंग एक होता है, वो हिंदी में नहीं आता। तो बहुत आसान है, हिंदी में सिर्फ दो लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो सब पुल्लिंग देखिए, पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि आदमी, बेटा, कुत्ता, हाथी, बालक, भाई, ठीक है, वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं ये शब्द। अब स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जिसमें औरत, बेटी, कुतिया, बालिका, बहन, यहाँ पर बालिका है बच्चों, बालिका, ठीक है, क्या है, बालिका। ऊपर हमने बालक लिखा है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, बालिका। ये जो शब्द कहते हैं क्या कहलाते हैं, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। अब लिंग परिवर्तन के नियम भी हैं और इस नियमों के अनुसार अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अ और आ को स्त्रीलिंग बनाते समय हम बड़ी ई की मात्रा देते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर अ का अंत, जिस यहाँ शब्द में अ का अंत हो रहा है और यहाँ पर आ का अंत, अंत किसका हो रहा है, अ मात्रा का और आ मात्रा का, ठीक है। तो ऐसे दो मात्राओं का जब अंत होता है तो हम उसे क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द दिए गए, देखो देव, देवी, बड़ी ई की मात्रा दी है, देव, अ, अ का मात्रा का अंत हो रहा है यहाँ पर, तो देवी। बेटा, आ मात्रा का अंत हो रहा है, तो बेटी, ठीक है। घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री। तो इस प्रकार से अ और आ मात्रा का जहाँ पर अंत होता है बच्चों, वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर उनका लिंग परिवर्तन करना है, बहुत ही आसान होता है। अगर आपको मात्राओं का अंत कैसे हो रहा है ये पता चले तो आप बहुत ही आसानी से लिंग परिवर्तन कर सकते हो बच्चों, कौन सा भी शब्द आ जाए, ठीक है। नियम क्रमांक दो देखिए, यहाँ पर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, यहाँ पर हमने देखा अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों में यहाँ पर कुछ अपवाद है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों को अंत में इया कर जोड़ना है हमें स्त्रीलिंग बनाते वक्त। पुल्लिंग शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो
सिर्फ और सिर्फ आ मात्रा का अंत जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ही है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा जोड़कर क्या करते हैं, उसके आगे या जोड़ते हैं। ठीक है, वचन के नियम भी ऐसे ही हैं बच्चों। तो देखिए पहला शब्द जो है वो है कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया। बेटा का बेटी भी हो सकता है और बिटिया भी हो सकता है। ठीक है, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंग परिवर्तन हम कर सकते हैं। नियम क्रमांक 3 देखिए, व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को स्त्रीलिंग बनाते वक्त हमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, सिर्फ इन जोड़ना है। व्यवसाय, जिनके जिनके व्यवसाय होते हैं, देखिए दुकानदार जो होते हैं, सेठ जो होते हैं, हाँ ऐसे शब्द जो होते हैं ना, वहाँ पर इन जोड़ना है। सुनार, सुनार यानी कि सोने का जो भी ज्वेलरी है, सोने का जो भी सामान बनाता है, उसे हम सुनार कहते हैं। तो सुनार का स्त्रीलिंग होगा सुनारीन। र में छोटी ई की मात्रा लगी है, देखिए सुनार, र में ई छोटी ई की मात्रा लगी है, न एज इट इज, यानी कि सुनारीन। ठीक है, लुहार, लुहारीन, क्या है, लुहार, लुहारीन, कुम्हार, कुम्हारीन, तेली, तेलीन, धोबी, धोबीन, माली, मालीन। इस प्रकार से लिंग परिवर्तन करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला नियम देखिए, पदवी वाचक या उपजाति वाचक शब्दों के अंत स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन करके। पदवी वाचक, किसी को हम पदवी देते हैं, देखो पंडित, पुजारी जो होता है ना, हम उन्हें क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। अब ये पदवी है, तो उपजाति वाचक भी हो, क्योंकि जिसी का सरनेम रहता है, देखो ठाकुर रहता है, चौधरी रहता है ना, तो हम उनको उनके सरनेम से ही हम उन्हें बुलाते हैं, यानी कि उपजाति वाचक। हाँ, या तो हलवाई, हमने उसे पदवी दी हलवाई, क्योंकि वो मिठाई बनाता है, तो हमने उसे क्या कहा, हलवाई कहा। तो ऐसे शब्दों के जो स्त्रीलिंग रूप होते हैं, उनमें हम क्या बनाते हैं, क्या जोड़ते हैं, आईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आईन। ठीक है, आईन। तो पंडित, त में आ की मात्रा जोड़ी, पंडिता, इन, इन एज इट इज। ठाकुर, यहाँ पर सिर्फ देखिए बच्चों, बहुत बार प्रश्न पत्रिका में, मतलब कि परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द कीजिए। तो ठाकुर का कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठाकुराइन करते हैं। क्या करते हैं, ठाकुराइन। ये गलत है बच्चों, ठाकुराइन नहीं होता, ये नियमों में एक अपवाद है इसका। जब हम स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं तो ये बन जाता है ठक्कुराइन। क्या बन जाता है, ठक्कुराइन। समझ में आया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप होता है ठक्कुराइन। अब आगे, हलवाई, हलवाइन, चौधरी, चौधराइन। बड़ी की मात्रा निकाल कर हमें क्या करना है, यहाँ पर आ की मात्रा लगानी है। समझ में आया, आगे देखो, अक को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका करते हैं। अक को स्त्रीलिंग बनाते समय इका करते हैं, यानी कि नायक, अध्यापक, लेखक, सेवक, याचक, बालक। अंत कैसे हो रहा है, अक। समझ में आ रहा है, अक, नायक। अक का हम क्या करेंगे, इका करेंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे यहां पर। क्या करेंगे, यहां पर अक है तो इसका हम करेंगे इका, यानी कि अक की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए वो नायक है। छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, तो नायक को हम क्या करेंगे, यहां पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, ना, य, य में छोटी की मात्रा, ई, क,
नायिका, ठीक है, इका, इका करेंगे, ठीक है। तो अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, याचक याचिका, बालक बालिका, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कन्नड़ा लिंग परिवर्तन भी इसी प्रकार होता है ना, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, इका इकी कर देते हो, इकी। देखिए यहाँ पर एक शब्द में आपको, मतलब आप इस किस प्रकार कंफ्यूज होते हैं, अध्यापिका है ना, अध्यापक का लिंग परिवर्तन करना है तो आप क्या करते हो, अध्यापकी करते हो, क्या करते हो, अध्यापकी, अध्यापकी, ये गलत है। ये आप कन्नड़ा का जो ट्रांसलेट हिंदी में करते हो वो गलत है बच्चों, हिंदी में अध्यापिका हो जाता है, नायक नायिका ही होता है, नायकी नहीं होता। लेखक की आप बनाते हो लेखिका होता है हिंदी में, की जो अंत में आप लगाते हो, बड़ी की मात्रा जो लगाते हो यहाँ पर इस प्रकार से, ये गलत है बच्चों, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, हिंदी में इस प्रकार नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ लेखक का हम क्या कैसे करते हैं, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, याचक का याचिका, बालक का बालिका। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंग परिवर्तन करते समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कन्नड़ा और हिंदी मिक्सअप नहीं करना है, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी का लिंग परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला जो है देखिए, ता के स्थान पर त्रि लगाकर, अगला जो नियम है, ता के स्थान पर त्रि लगाकर, यानी कि पुल्लिंग शब्द जो है वो दाता है, यहां पर दाता, ता है, स्त्रीलिंग बन जाएगा दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचियता रचियत्री। सिर्फ और सिर्फ ता को निकालना है, हमें वहां पर त्रि लगाना है। समझ में आया बच्चों, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिंग जो है वो हर कक्षा में, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आपको ये लिंग परिवर्तन जो है वो परफेक्ट करना ही होगा, क्योंकि बच्चों कन्नड़ा की तरह लिंग में, हमारे हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग परिवर्तन के लिए होते, एक तो पुल्लिंग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग यहाँ पर नहीं होता है, ये आप समझ लो, ठीक है। तो हिंदी में लिंग परिवर्तन करना बहुत इजी होता है, कौन सा भी शब्द आ जाए बच्चों, अगर आपको नियम याद है तो उस नियम के अनुसार आप लिंग परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला नियम है, अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर, नी, अकारांत शब्द, ऐसे शब्द जो जहां पर होते हैं वो प्राणियों के नाम होते हैं बच्चों। देखिए यहां पर शेर शेरनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, ठीक है। समझ में आया, अकारांत अ शब्दों का अंत जहां पर हो रहा है, अ अक्षर का अंत जहां पर हो रहा है वहां पर हमें नी जोड़ना है, वो ज्यादातर प्राणियों के नाम होते हैं, ये याद रखना, प्राणियों के जो नाम होते हैं ना वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ नी जोड़ना है, हा? शेर शेरनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आन से अंत होने वाले शब्दों में, आन यानी कि महान, श्रीमान, भाग्यवान, धनवान, गुणवान, बुद्धिमान, यहाँ पर क्या करना है, आन को निकालना है और अति को जोड़ना है, स्त्रीलिंग बनाते वक्त आन को निकालना है, अति को जोड़ना है, यानी कि महान महती, श्रीमान श्रीमती, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। समझ में आ रहा है, अति यानी कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, महान आन को निकालना है, ह जैसे वैसा रखना है, आगे उसके ती जोड़ना है आपको,
श्रीमान, मान है म की आ की मात्रा जो निकाले और म जैसा है वैसा रखना है, ती आगे वैसा ही, ठीक है। इस प्रकार से इस लिंग परिवर्तन को हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला नियम है, देखिए कई शब्दों के पुल्लिंग रूप उनके पुल्लिंग रूपों से भिन्न होते हैं। कई शब्दों के पुल्लिंग रूप उनके कई शब्दों के पुल्लिंग रूप उनके स्त्रीलिंग रूपों से भिन्न होते हैं, जैसे कि राजा, रानी। यहाँ पर कोई नियम नहीं लागू होता बच्चों, ये शब्द अलग होते हैं। भाई बहन, नर मादा, कवि कवयित्री, वर वधु, युवक युवती, पिता माता, वीर वीरांगना, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप जो यहाँ पर एक नियम, कुछ कोई भी नियम लागू नहीं होता, वो एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। समझ में आया? तो बच्चों आज के इस कक्षा में हमने लिंग के बारे में जानकारी ली है। जब भी आप फिर से वापस स्कूल आओगे तो बच्चों एक बार विस्तार से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।